हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास में लिनोवो लीजन प्रो 5A गेमिंग लैपटॉप आया है। यह लैपटॉप कुछ देर चलने के बाद बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके ओवरहीट होने का कारण है इसके अंदर धूल का भर जाना, जिसकी वजह से इसके दोनों फैन स्पीड से नहीं घूम पा रहे हैं और लैपटॉप बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है। कभी कभी तो यह थोड़ी देर चलने के बाद बंद भी हो जाता है और 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करने पर ही होता है। जो भी गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो महीनों के यूज के बाद ओवरहीट होने लगते हैं। वैसे अधिकतर गेमिंग लैपटॉप्स में दो फैन लगे होते हैं, परंतु फिर भी इन लैपटॉप्स में ओवरहीटिंग की समस्या आती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। हमारे अपने अनुभव से यह पता चलता है कि लैपटॉप में ओवरहीटिंग की जो प्रॉब्लम है वह फैन और हीट सिंक में धूल के जमा होने की वजह से होती है। फैन में धूल जमा होने की वजह से फैन फुल स्पीड से नहीं घूम पाता है और लैपटॉप हीट होने लगता है। तो हम इस लैपटॉप के फैन को क्लीन करेंगे और इसकी हीट सिंक में जो धूल जमा हुई है उसको भी क्लीन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप खुद भी अपने लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को देखकर आप उसको फिक्स कर सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें। हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।